हमारी हड्डियों और हमारे शरीर की तंदुरुस्ती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी शांति संसार देता है मैं वैसी शांति नहीं देता हूँ। और शांति जब यीशु मसीह हमें दे रहे हैं तो उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आप किसी से भी अपने मन की बात करेंगे तो बात करते करते आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। कोई आपके कंधे पर हाथ रख के इस बात को बोल देगा कि मैं आपके साथ हूँ, आप घबराइए मत, हम आपका साथ देंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप फिर अकेले पड़ जाएंगे, कुछ समय बाद वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, कुछ समय बाद लोगों ने जो वायदे आपके साथ किए जिनसे आपको शांति मिलती थी वो वायदे टूट सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जो वायदा करता हूँ वो कभी टूटता नहीं, वो पूरा होता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि संसार की शांति थोड़े समय की है, संसार का प्रेम थोड़े समय का है, लेकिन यीशु मसीह जब आपको शांति देंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज पास्टर राजकुमार ने आमंत्रित किया बिहार चर्च में, जो कि रमन हंस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, और यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है जो हमें यहाँ पर लेकर आया है, संभाल कर लेकर आया है, और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। आप जितनी भी टीम इस जगह पर है, आप जितने वॉलंटियर इस जगह पर हैं, मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ, आपको इनकरेज करने के लिए आया हूँ कि आप चुने हुए प्रभु के लोग हैं और आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी भी तरह के तूफान को देखकर डर नहीं जाना, क्योंकि जब तूफान आता है तो उसका बना रहना जरूरी नहीं है, आता है चला जाता है, लेकिन जब आप तूफान में भी खड़े रहते हैं तो यीशु आपको कहता है कि तुम पत्थर पर बने हुए लोग हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में जब हम आए तो ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं सोचना कि यीशु में आ गए अब पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले ही है, यीशु में आ गए अब हमारे जीवन में सुख ही सुख है, सुकून ही सुकून है। जी हाँ है, प्रभु यीशु मसीह में आकर चंगाई है, शांति है, नया जीवन है, हमें पता चल जाता है कि हमें कैसे जीना है, पता चल जाता है स्वर्ग की सीढ़ी को कैसे चढ़ना है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपको टेस्ट भी करके देखता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपको क्या करता है, टेस्ट करता है। सब बोले क्या करता है। आप कभी बाजार जाइएगा और वहां पर चाहे आप पंखा लें, चाहे आप कुर्सी टेबल लें, चाहे आप किसी तरह का कोई भी सामान लें, उसके ऊपर एक मोहर लगी होती है, ओके अटेस्टेड। कौन सी मोहर लगी होती है? ओके टेस्टेड। ओके टेस्टेड का मतलब कि जो चीज बनाई गई है इसको टेस्ट कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? इसको टेस्ट कर लिया गया है, अब ये यूज करने के लिए ओके है, अब ये पास हो चुकी है। आप सोना खरीदते हैं, लोग कहते हैं केडीएम की मोहर के बिना सोना मत लेना, नकली हो सकता है, लेकिन जहां पर केडीएम की मोहर लगी होगी समझ लीजिए वो सोना आग से निकला हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। आप कब परमेश्वर के काबिल बनते हैं, अब कब यीशु मसीह को अच्छे लगते हैं, जब आप दुखों में भी उसके साथ खड़े रहते हैं, तकलीफों में भी उसके साथ खड़े रहते हैं, फिर परमेश्वर आपके ऊपर ओके टेस्टेड की मोहर लगाता है कि ये जो बंदा है, ये जो परमेश्वर की दासी है, ये खड़ी रही है, अब ये पास हो चुकी है और इसको अब मैं ब्लेसिंग दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। आप में से एक एक व्यक्ति आज इस बात को अपने मन में, अपने आत्मा में धारण कर ले कि अगर कोई छोटी प्रॉब्लम आपके ऊपर है तो वो आपका टेस्ट है। जब आप उसमें से निकल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। सब बोले हालेलुया। क्योंकि चाइना के माल की कीमत नहीं बढ़ती है, जो चीजें
टेस्टेड नहीं होती, उनकी कीमत नहीं बढ़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह पर रखा है और ऐसी जगह पर रखेगा जहां पर आपकी इज्जत दुगनी चौगनी बढ़ने वाली है। यीशु मसीह के नाम से।